छत्तीसगढ़ के सूरजपुर के ग्राम पंचायत केनापारा में चेक डैम निर्माण का कार्य एस्टीमेट के अनुसार नहीं हो रहा। आपको बता दें कि जनपद सदस्य प्रतिनिधि संत लाल प्रजापति ने आरोप लगाते हुए कहा है कि विभाग द्वारा यहां हो रहे कार्य को देखा नहीं जा रहा, जिसके चलते लापरवाही से कार्य हो रहा है। आलम यह है कि चेक डैम निर्माण का कार्य एस्टीमेट के अनुसार से नहीं किया जा रहा, हल्की क्वालिटी की सामग्री का प्रयोग किया जा रहा है, यहां तक कि सीमेंट कम डालकर रेत का प्रयोग अधिक किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि एक मुंशी के हवाले सारा कार्य कर दिया गया है, जो अपनी मनमानी से काम करवा रहे हैं। बताते चले कि ग्राम पंचायत केनापारा में चेक डैम निर्माण का कार्य कृषि विभाग द्वारा करवाया जा रहा है। यहां पर सीमेंट की मात्रा कम रखकर रेत का अधिक इस्तेमाल करने के भी आरोप लगे हैं। जनपद सदस्य प्रतिनिधि का तो यहां तक कहना है कि जल्द ही कलेक्टर को भी इसकी शिकायत की जाएगी। अब देखना ये होगा कि विभाग द्वारा किस प्रकार से कार्रवाई की जाती है। ये जो कार्य चल रहा है सर जी, ये किस विभाग से चल रहा है? कृषि विभाग से। इसका लागत कितना है? 1497। इसका देख रेख कौन कर रहे हैं सर जी? कृषि विभाग। अथॉराइज कौन है इसको देख रेख करने के लिए? पूरे विभाग के हैं। पूरे विभाग के। आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मुंशी का काम कर रहा हूँ। इसमें मटेरियल किस प्रकार से चल रहा है? एक दो चार का ढलाई चल रहा है। बोले तो कितना कितना मात्रा में क्या क्या चल रहा है? एक तगाड़ी सीमेंट, दो गिट्टी, चार बालू। ये कार्य ग्राम पंचायत की केनापारा का है जी। और यहाँ पर और कई जगह है कि सिर्फ अकेला ही एक ही जगह काम? सिर्फ यही चल रहा है इस विभाग से। पंचायत में और चलता होगा उसका जानकारी मेरे को नहीं है। मैं संत लाल प्रजापति। जो कार्य चल रहा है कि जो बारे में बताएंगे? ये कृषि विभाग द्वारा कार्य करवाया जा रहा है और हम लोग मौके पे यहाँ जांच में आए, कई दिन तक आए, और इस विभाग में ना ही कोई एस्टीमेंट यहाँ पे है, ना वाइब्रेट करने के लिए मशीन, रेत पे खड़ा किया जा रहा है। और यहाँ पे 6-1 का मसाला का उपयोग किया जा रहा है जो एकदम अलीगल है। और यहाँ पे मुंशी द्वारा काम करवाया जा रहा है, अधिकारी का कई दिन बुलाने पर या तो एस्टीमेंट यहाँ रखने पर कहीं पे नहीं है, और रेत पे खड़ा किया जा रहा है। यहाँ का क्वांटिटी ना इनको कोई क्वांटिटी का मालूम है, ना मनमानी तौर पे किया जा रहा है। और हमने इनका जो कृषि विभाग के राठौर सर है उनसे भी संपर्क करने का प्रयास किया गया, बोले नहीं क्वांटिटी के हिसाब से किया जाएगा। 1-2-3 का मसाला बनना है, लेकिन यहाँ सीधे आपका 2-12-12 का, जिसकी हम लोग के पास पंचनामा भी है, लोगों द्वारा किया गया है। और बहुत ही जल्दी हम लोग इस मुद्दे पे कलेक्टर साहब को ज्ञापन सौंपने वाले हैं, और इनको सुधार करने का कई बार हमने आग्रह किया, लेकिन इन पे कोई असर नहीं है। ब्रेकिंग न्यूज, रासबसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6,00,000 रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक करें।